काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब टोनी जेन को बताता है कि वो उसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक चाइनीज़ है, सो वो एक चाइनीज़ लड़की से ही शादी कर सकता है। ये सुनकर जेन वहाँ कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर जेन को बुरा लग रहा था। रात को घर आने के बाद जेन रो रही थी। इसे ये पता चलता है कि जेन भी उसे पसंद करती है। ये सब जानकर भी